हार्दिक पांड्या इस पूरे सीजन रहे फ्लॉप कप्तान, आइए जानते हैं उनके बारे में और क्या बोले इरफान पठान। पूरन बल्लेबाजी करने आए, कुछ ही गेंद के बाद डीप पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, दो फील्डर और ऑफसाइड पे, टोटल 6 फील्ड ऑफसाइड पे, और अंशुल कंबोज को कहा कि भाई ऑफस्टंप के बाहर गेंदबाजी करिए, वाइड डालिए, वहां पे हम थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, जबकि पिच थोड़ी सी स्लो थी, इंटो द पिच सब में गेंदबाजी कर सकते थे। ये नया गेंदबाज है, किसने ये प्लानिंग बनाई, या तो कैप्टन बनाता या तो टीम मैनेजमेंट ने बनाई। अब आपने मौका दे दिया निकोलस पूरन को, बता दिया कि भाई यहीं पे गेंदबाजी करनी होगी, और वहीं पे उन्हें छक्के भी लगाए, वहीं पे वो सेट भी होगा, एक जबरदस्त पारी करके मैच को दूर लेके चले गए। मुझे लगा वो बहुत बड़ा पल था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जहां पे लखनऊ आगे निकल गए और मुंबई पीछे रह गई, और ये पूरी कहानी पूरे सीजन की रही है मुंबई इंडियंस की। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीजन, 10 हार जरूर, जस्सी को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला गेंदबाज मिला, पीयूष चावला को 4 मैच के बाद ड्रॉप किया गया, वो पिछले साल का हाईएस्ट विकेट टेकर था, जब वापस आया तो उसने विकेट निकालना स्टार्ट किया। जरूर ऑन फील्ड बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, बतौर बल्ले से भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, कई बार ऐसा लगा कि आसान चीजें ढूंढ रहे थे परफॉर्म करने के लिए, वो भी देखने को नहीं मिला, ओपनिंग साझेदारी रेगुलर नहीं हो रही थी, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है जो मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन नहीं चली। अगले साल ज्यादा बेहतर करके आना होगा। रोहित शर्मा का जो फॉर्म आया आखिर में, ये देख के अच्छा लगा, ये मुंबई इंडियंस के लिए नहीं, ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर थी। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में रोहित शर्मा जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, और यही मेरी उम्मीद हार्दिक पांड्या के लिए रहेगी, सूर्य कुमार यादव के लिए रहेगी।